हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्यू वाली पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। कब शुरू होगा ड्यू का एडमिशन प्रोसेस, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस मई एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, बट इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो तीन फेजेस में डिवाइडेड है, यानी कि तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है। फेज़ वन, रजिस्ट्रेशन ऑन CSAS पोर्टल। फेज़ टू, फिलिंग प्रेफरेंसेस फॉर कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स। फेज़ थ्री, सीट एलोकेशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। अब ये फॉर्म आपको कहाँ अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा CSAS पोर्टल पे, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। जिस तरीके से आपने CUET का फॉर्म भरा था, बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको DU का एक फॉर्म फिल करना होगा। तो फेज़ वन में आपको CSAS पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना होगा, जहाँ आपकी सारी बेसिक डिटेल्स होंगी। सक्सेसफुली फॉर्म जब आपका फिल हो जाएगा, तब अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको एक फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करते ही आपका ड्यू में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, एडमिशन का क्या, एडमिशन कैसे होगा? तो जैसे ही आपका CUET 2023 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फेज़ टू शुरू करेगी। अब फेज़ टू में क्या करना होगा, क्या होगा फेज़ टू में? फेज़ टू में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी एक प्रेफरेंस शीट रेडी करके देनी होगी, जहां आप कॉम्बिनेशंस फिल करोगे कॉलेजेस और कोर्सेज के लिए, कि नंबर वन पे आपको ये कॉलेज और कोर्स चाहिए, नंबर टू पे ये कॉलेज और कोर्स चाहिए, नंबर थ्री पे ये कॉलेज और कोर्स चाहिए, एंड सो ऑन। और ये प्रेफरेंस शीट एक बार अगर आपने फिल कर दी, सबमिट कर दी, तो वो फाइनल है, उसको आप फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। उसी के बेसिस पे, उसी प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको DU में एडमिशन मिलेगा, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रेफरेंस शीट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है। अगर आपने गलती से भी किसी बिलो एवरेज कॉलेज को या फिर एवरेज कॉलेज को प्रेफरेंस नंबर वन पे रख दिया, तो आपको वही कॉलेज अलॉट होगा। तो प्रेफरेंस शीट एग्जैक्टली कैसे फिल करनी है, क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए सही रहेंगे, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से सेकंड को रखना है, कौन सा लास्ट में रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, जैसे जैसे आपका ड्यू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। अब इन सब के बाद शुरू होगा फेज़ थ्री। फेज़ थ्री में आपको आपके CUET के स्कोर्स के बेसिस पे, प्लस आपकी जो प्रेफरेंसेस आपने फिल की थी, उसके बेसिस पे सीट अलॉट की जाएगी। जब आपको सीट अलॉट की जाएगी, तब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, पहला ऑप्शन अपग्रेड, दूसरा ऑप्शन फ्रीज। अगर जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, जो कोर्स आपको मिला है, अगर आप उसे सेटिस्फाइड हो कि हाँ यही चाहिए था, यही मिल गया, तब आप क्लिक करोगे फ्रीज पे। फ्रीज पे क्लिक करने का मतलब होगा कि उस कॉलेज और कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके बाद आप उस कॉलेज के लिए, उस कोर्स के लिए अपनी फ़ीस पे करोगे। फ़ीस पे करने के बाद कॉलेज वाले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपने सही डोमेन के पेपर दिए या नहीं दिए, सही सब्जेक्ट्स के पेपर दिए या नहीं दिए। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, और ये सब हो जाने के बाद आपका उस कॉलेज और कोर्स में एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप बेटर कॉलेज डिजर्व करते हो, बेटर कोर्स डिजर्व करते हो, तब आप क्लिक कर सकते हो अपग्रेड पे। फिर नेक्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपको बेटर कॉलेज अलॉट हो, और जो कॉलेज आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट होगा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आप उस पर फ्रीज कर सकते हो, फ्रीज करके एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको बेटर कॉलेज अलॉट नहीं होता, तब भी आपके पास वही पहले राउंड वाला कॉलेज ही रह जाएगा, ठीक है। तो अपग्रेड करना भी एक काफ़ी सेफ ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला। और ये पूरा एडमिशन प्रोसेस काफ़ी लंबा टाइम चलेगा, बहुत टाइम होगा आपके पास, तो जल्दबाजी में कोई भी गलती मत कर देना। बाकी तो आपको टाइम टू टाइम मैं गाइड करती ही रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही CUET और DU अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड।